हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अप्लाइड प्रॉब्लम्स। और ये अप्लाइड प्रॉब्लम जो डिस्कस करूँगा वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के ऊपर होंगी। तो अभी मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का प्रूफ और स्टेटमेंट दोनों एक्सप्लेन किए थे। उसी का ये अगला पार्ट है जिसमें मैं अप्लाइड प्रॉब्लम्स कराऊँगा, क्योंकि जो कंपटीशंस की दुनिया में अप्लाइड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियो मैंने तैयार की है और मुझे उम्मीद है कि सभी को काफ़ी लाभान्वित करेगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम मोमेंट ऑफ प्रेस या थिन रॉड का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस तरीका से हम इसे कैलकुलेट करें। तो एक मैंने ये थिन रॉड ली है और जो थिन रॉड है उसका मास m है और लेंथ इसकी l ली है। अगर हम मोमेंट ऑफ प्रेस या कैलकुलेट करना चाहते हैं इस रॉड का, और ये सेंटर ऑफ मास से पास किए जो एक्सिस है, और ये जो पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू यहाँ से होगी, हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो जब भी हम कभी भी किसी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि किस पॉइंट के रेस्पेक्ट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एवोल्यूशन करना है। तो इस बार जो मैं इसमें एवोल्यूशन कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एवोल्यूट करना चाहता हूँ, वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है जो लाइन्स है, जो एक्सिस है, और सेंटर से पास होने के बाद परपेंडिकुलर है ये एक्सिस के रेस्पेक्ट। जैसे हमारी रॉड यहाँ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के रेस्पेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी रॉड है उसके उससे के सेंटर से पास कर रही है एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इस तरीका से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवोल्यूट करना चाहते हैं तो हम किस तरीका से इसे एवोल्यूट करें, इसकी जो ये रीजन्स होगा, ये हमारा इधर से ये एक्स की लिमिट यहाँ माइनस एल बाई टू होगी और इधर एक्स की जो वैल्यू होगी वो एल बाई टू होगी। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट से इधर की तरफ आएंगे तो x की वैल्यू माइनस में जाएगी, और इधर से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो x यहाँ पॉजिटिव होगा, तो x इधर एल बाई टू होगा और इधर x माइनस एल बाई टू होगा। तो अगर हम अब इसमें छोटा सा एक पोर्शन ले लें जिसका मास हम dm ले लें, इस रॉड का रीजन है जिसमें इसमें जो लेंथ है वो हम dx ले लें, तो सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा रीजन है उसमें मास कितना है, और साथ साथ वहाँ तक की उस एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम इस छोटे से रीजन का जिसकी लेंथ dx है और जिसमें मास dm है, अगर इस जो पॉइंट मास है उस पॉइंट मास के कारण अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एवोल्यूट करना चाहते हैं तो इसके रेस्पेक्ट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हमने di से मैं इसे नोट कर रहा हूँ। di की जो वैल्यू होगी वो होगी di इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dm, जहाँ dm ये मास होगा और x जो है इस dm मास की डिस्टेंस होगी, जो लाइन है जो एक्सिस है सेंटर से जो पास हो रही है और परपेंडिकुलर है एक्सिस के थ्रू। तो डी आई की वैल्यू को हम एक्स स्क्वायर इंटू डी एम लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो लीनियर मास डेंसिटी होगी, लीनियर मास डेंसिटी एल एम डी से मैं लिखने में दिखा रहा हूँ, ये लेमडा होगा और लेमडा की जो वैल्यू होगी लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये वैल्यू जो होगी वो एम मास है टोटल और लेंथ है एल, तो लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू होगी एम अपॉन एल। और जो हमारा ये dm है मास इस रीजन के अंदर और dx इसकी लेंथ है, तो ये जो लेमडा होगा वो m अपॉन l या dm अपॉन dx के इक्वल होगा। और अगर इसकी वैल्यू हमारी ये कांस्टेंट है, क्योंकि केसेस डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल हो, तो मैं सबसे पहले जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ उसमें लेमडा ले रहा हूँ जहाँ पर जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो ये मैंने लेमडा को m अपॉन l बराबर dm अपॉन dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट किया है, तो dm की वैल्यू यहाँ से हम एवेल्यूट कर सकते हैं। dm हमारा जो होगा वो होगा m अपॉन l इंटू dx। इस वैल्यू को जो हमने dm की वैल्यू ली है इस वाले रीजन की वो यहाँ पर पुट कर दें, तो di जो हमारे पास आएगा एवेल्यूट, इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, और dm की वैल्यू पुट करें m अपॉन l इंटू dx, ये हमारा di की वैल्यू होगी इस रीजन के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ होगा। अब हम पूरी अगर रॉड का चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवोल्यूट करना, तो हमारे पास में हमें x की लिमिट को देना होगा। x की जो लिमिट होगी वो हमें इस यहाँ से लेके और ये वाला जो रीजन है वो पूरा कवर करना होगा, तो x की लिमिट यहाँ माइनस एल बाई टू है अगर हमें इधर वाला सिरा कवर करना है, और इधर जो लिमिट होगी वो x की प्लस एल बाई टू होगी। तो इस पॉइंट से पहले लिमिट देख लें, इधर की तरफ आएंगे तो माइनस एल बाई टू होगा और जब इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो एल बाई टू होगा। तो x की लिमिट लगा दें और इधर इंटीग्रेट कर दें, तो ये हमारा x की लिमिट लें माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, और उसके बाद इसे सॉल्व करें। तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो इधर से हमारे पास i आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी m अपॉन l, और इधर से जो हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स का
इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री, तो ये ले लें एम अपॉन एल एक्स क्यू अपॉन थ्री, और लिमिट ले लें माइनस एल वाई टू से लेके प्लस एल वाई टू। उसके बाद इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी एम अपॉन एल, और थ्री को इधर ले आएँ इसे बाहर ले आएँ, तो एक्स क्यूब की अब लिमिट ले लें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये एल वाई टू क्यूब आ जाएगा यहाँ से, और माइनस जब हम अपर लिमिट लेंगे तो एल बाई टू ले लेंगे और फिर लोअर लिमिट लेंगे माइनस साइन के साथ लेकर आएंगे, तो माइनस और ये माइनस एल बाई टू की पावर क्यूब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आएगा एम अपॉन थ्री एल, और यहाँ से हमें वैल्यू ऑप्टर हो जाएगी टू एल क्यूब अपॉन एट। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व। तो ये वैल्यू डेवलप हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और ये थी एम आई ऑफ ए रॉड थिन रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर, जो एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये हमने इवोल्यूशन किया है यहाँ से। इस तरीका से हम इसे एवोल्यूट कर सकते हैं, तो लीनियर मास डेंसिटी कंसेप्ट को लगाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जनरल डेफिनेशन लें, एक्स की लिमिट लें माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक और सॉल्व कर दें। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस एक्सिस के रेस्पेक्ट, कि हमारी एक अगर थिन रॉड है उसके सेंटर से पास करने वाली जो लाइन है और जो रॉड है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसके रेस्पेक्ट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसका एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मेरा मेन टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, उसकी वैल्यू हमारी एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व हो गई, ये हमारे पास आई सी एम हो गया सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, क्योंकि जो रॉड है वो हमने लीनियर मास डेंसिटी उसकी जो ली है वो हमने कॉन्स्टेंट लिए, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा रोड का वो इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट होगा, तो आई सी एम जो होगा वो एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व इसकी वैल्यू हम एवेल्यूट कर ली हमने। अब उसके बाद हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे एवोल्यूशन हम चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, या हम इधर की तरफ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ये वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट, हमने कह दिया कि इसको हम आई मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कॉर्नर के थ्रू, तो कॉर्नर के थ्रू हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आसानी से एवोल्यूट कर सकते हैं अबाउट वन कॉर्नर। तो अबाउट वन कॉर्नर कैसे हमारे पास एवोल्यूशन आएगा, वन कॉर्नर के जो हम यूज करेंगे उसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी बताया है, आई की जो वैल्यू होती है आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के एक्सप्रेशन से। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एवोल्यूट किया है, इसकी वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू थी एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व प्लस एम, और यहाँ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट पता था और इसके रेस्पेक्ट हमें निकालना है, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, तो जो यहाँ एच की जो वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के इक्वल होगी, और एच यहाँ है एल बाई टू, तो एच की वैल्यू कुछ जगह पर हम एल बाई टू ले लें, तो यहाँ एम इन टू एल बाई टू का ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन फोर ले लेंगे, और फिर उसके बाद ट्वेल्व को कॉमन ले लें एम एल स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी हमारी वन प्लस थ्री, तो ये वैल्यू जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवोल्यूट हो जाएगा। तो ये थर्मो पैरेलल एक्सिस का सीधा एप्लीकेशन था, कि यहाँ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट मैंने पहले एवोल्यूशन किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एवोल्यूट करना था तो हम आसानी से सॉल्व कर पाए और ये वैल्यू एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री आई। अगर हम इधर की तरफ भी इस कॉर्नर पर निकालते तब भी हमारा सेम प्रोसीजर होता, अगर हम एच की वैल्यू को इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को अगर माइनस एल बाई टू भी लेते तो एच को अगर हम माइनस एल बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बाई फोर ही देगा वैल्यू, तो तब भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे भी एम एल स्क्वायर बाई थ्री होगा, और ये भी हमारा इधर की तरफ भी एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री होगा। तो इस केस के अंदर थर्म ऑफ पैरेलल एक्सिस का मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी आपको समझाया, मैं आगे कुछ और एप्लीकेशन इस पर कंटिन्यू रखूँगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर जो हमारी एक्सिस है अगर ये एच की वैल्यू एल बाई टू ना हो एल बाई फोर हो,
तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे इवोल्यूट करें थर्मो पैरेलल एक्सिस से, तो उसको निकालने के लिए अगर हमें सपोज किया ये हमारी रॉड है, यहाँ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है सेंटर से पास होने वाली लाइंस और परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और हम चाहते हैं कि यहाँ से एल बाई फोर डिस्टेंस पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को इवोल्यूट करना है। तो यहाँ अगर एम एल स्क्वायर अपॉन 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ज्ञात है, यहाँ हमें ज्ञात करना है ये आई सी एन की वैल्यू हो गई, और यहाँ जो वैल्यू होगी ये एच हमारा ये टोटल जो एल बाई टू था एल बाई फोर पर पूछा गया है, तो आई की जगह पर हम लिख पाएंगे आई बराबर आई सी एन प्लस एम एच स्क्वायर, और एच की जगह पर पुट कर दें वैल्यू एल बाई फोर, क्योंकि यहाँ गिविंग क्वेश्चन में एच एल बाई फोर अगर दे रखा है तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ले लें प्लस एम, और एच की जगह पर वैल्यू पुट कर दें एल बाई फोर और इसका पूरे का स्क्वायर कर दें। थर्मो पैरेलल एक्सिस का एप्लीकेशन फिर से देखें, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 16। तो उसके बाद क्या करें 48 इसमें एल सी एम ले लें और यहाँ से हमारा 3 आ जाए 3 प्लस 4 बन जाएगा 4 प्लस 3 या इंटू एम एल स्क्वायर, तो ये यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी 7 अपॉन 48 एम एल स्क्वायर। तो ये थर्मो पैरेलल एक्सिस के एप्लीकेशंस थे जो मैं अभी दो एप्लीकेशंस करा रहा था, कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट पता हो तो हम एक कॉर्नर के रेस्पेक्ट कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवोल्यूट करें, और अगर एच की वैल्यू एल बाई फोर है, अगर सेंटर से एल बाई फोर डिस्टेंस पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवोल्यूट करना है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरीका से एवोल्यूट करें। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थर्मो पैरेलल एक्सिस पे, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पोर्शन पर पूछा जाता है, मुझे उम्मीद है सब स्टूडेंट्स ने इसको समझा होगा, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस इस पर बताना चाहूँगा, और साथ साथ एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे इसके ऊपर जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं आजकल किस टाइप की आ सकती हैं और उन्हें फिर किस तरीके से अभी हम हैंडल कर पाएंगे। तो एक तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन था जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो ऐसा था जिसमें मास डेंसिटी जो ली गई थी वो कॉन्स्टेंट थी। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मास डेंसिटी को कहता है कि मास डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है तब आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस टाइप की भी मैं प्रॉब्लम्स आगे डिस्कस करूँगा। तो इसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता रहा है वो एक इस तरीका से देता है कि एक हमारी रॉड है और इस रॉड का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवोल्यूट करना है इसके परपेंडिकुलर, और इस रॉड का सपोज किया वो मास कहता है 4m है और लेंथ बता देता a है, इस टाइप से पूछता है। और फिर पूछता है कि अगर यहाँ एक मास इस रॉड के ऊपर यहाँ इसके अंदर यहाँ पर चिपका हुआ है इस तरीका से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का बताएं किस तरीका से हम एवोल्यूट करें। तो हम इस एक्सिस के रेस्पेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरे सिस्टम का। तो ये कंपोजिट सिस्टम्स की प्रॉब्लम है जहाँ पे क्या है कि कई बार क्या होता है एक रॉड भी होती है, रॉड पे वो डिफरेंट मासेज रखे हैं, तो यहाँ पे एक मास रखा हुआ है हम अटैच है और हमें पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवोल्यूट करना है इस एक्सिस के कॉर्नर के थ्रू, और जो ये हमें एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें है एवोल्यूट करना है आई की वैल्यू को। तो हम कैसे एवोल्यूट करें, अभी मैंने कैलकुलेट किया था कि अगर हमारी मास एम की रॉड है उसकी लेंथ एल है और एक कॉर्नर पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो उसकी वैल्यू अभी मैंने एवोल्यूट की थी इससे पहले, वो वैल्यू होती है 1/3 एम एल स्क्वायर। तो एम की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में 4m दे रखा है तो आप 1/3 और एम की जगह पर यूज कर लें 4m। एल जो है लेंथ दे रखी थी लेकिन मैंने क्वेश्चन में है ए दिए तो 1/3 4m स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस रॉड का इसके रेस्पेक्ट। तो अगर रॉड की लेंथ जो मास है 4m है और लेंथ ए है तो इस तरीका से इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कैलकुलेट होगा। अब अगर हमें इस ये मास एम भी रखा है तो फिर पहले हम क्या करें, इस पहले रॉड का ले लें इस एक्सिस के रेस्पेक्ट और फिर इस मास एम का लें। अब यहाँ से अगर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अगर ये पूरी ए है और ये सेंटर पर रखा गया है मास एम तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी ए बाई टू हो जाएगी। तो इसमें फिर क्या होगा, थर्मो पैरेलल एक्सिस अप्लाई करें, एक सिस्टम का हमने कैलकुलेट किया है फिर दूसरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट कैलकुलेट करें, मास एम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा और डिस्टेंस ए बाई टू पर तो एम इंटू ए बाई टू का स्क्वायर इसके साथ में और वैल्यू अटैच होगी। अब इस ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर वो फिर से कहता है कि मास एम एक और अटैच है और जो एम अटैच है वो यहाँ से लेकर जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू a बाई फोर है,
तो जो पहले सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसमें फिर एक टर्म और ऐड कर दें। दो का हम पे ऑलरेडी निकाल चुके थे, इस रॉड का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट हमने इवैल्यूएट किया हुआ था, इस मास का इवैल्यूएट किया हुआ है, अब इसका और अटैच कर दें। तो प्लस ऐसे केस में प्लस एम, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए बाई टू है, यहाँ से ये डिस्टेंस ए बाई फोर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी थ्री ए बाई फोर हो जाएगी। तो प्लस एम इंटू थ्री ए बाई फोर का फोर स्क्वायर, इस तरीका से कैलकुलेशन बढ़ाते रहे। अगर फिर से एक मास एम यहाँ अटैच कर देता है इस सिरे के ऊपर और कहता है इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवैल्यूएट करें, तो प्लस इसके अंदर एम ए स्क्वायर और अटैच करते हैं। इस टाइप से इसका एवोल्यूशन होता चला जाएगा। तो ये मैंने एक्सटेंशन बताया, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस इस पर बेस आते रहते हैं, कंपटीशंस की दुनिया में रेगुलर एग्जामिनर पर पूछे जाते रहते हैं कि मास एक रॉड लेता है और डिफरेंट मास रख देता है, गेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एक रॉड देता है और रॉड पर डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसके रॉड पर उस पर मास अटैच कर देता है और फिर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है। अगर यहाँ पे ही अगर कोई मास एम लगा दिया जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट चाहिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर जीरो लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ए जो होगा एम एच स्क्वायर में एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उसके कारण इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट, अगर कोई बॉडी है और उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो फिर उसकी वैल्यू को हमें जीरो लेना होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा आपके और निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देंगे ये कंसेप्ट। तो आज मैं जो वीडियो दे रहा हूँ वो टोटली कंसेप्चुअल है और अप्लाइड वीडियो है मेरी तरफ से, खासतौर से जो मॉडर्न कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो तैयार कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को देगा, खासतौर से जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपीयर करेंगे। मैं एक और क्वेश्चंस जो इस पोर्शन पर करना चाहूँगा जहाँ से क्वेश्चंस की मुझे उम्मीद है, तो काफ़ी बिल्कुल न्यू कंसेप्ट में एक आपको समझाता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, रॉड के कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड और रॉड के साथ अटैच डिफरेंट मासेज के प्रॉब्लम में इस पर करा रहा हूँ। अब क्या है कि अगर लैम्डा हमारा जो लीनियर मास डेंसिटी है अगर वो फिक्स नहीं है और उसकी वैल्यू भी रखी है लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स अपॉन एल इस तरीका से दे रखा है, और एक्स जो दिया गया है वो एक सिरे से दे रखा है रॉड से, और पूछता है कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवेल्यूट कीजिए इस एक्सिस के पड़ते हैं, जो हमारी रॉड रखी है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के पड़ते हैं एक सिरे की तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एवेल्यूट करना है। तो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करें कि एक छोटा सा पोर्शन मास डी एम का ले लें और इसकी जो लेंथ है उसको डी एक्स ले लें, और लैम्डा की जो लीनियर मास डेंसिटी की प्रॉपर्टी है उसे यूज करें, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से होगी डी एम अपॉन डी एक्स। तो डी एम जो हो जाएगा उसकी वैल्यू होगी यहाँ लैम्डा इंटू डी एक्स इस तरीका से। अगर आप इस सिस्टम का टोटल मास पूछता है, लेंथ एल की रॉड है, तो मास कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम को फिक्स ना लें, क्योंकि उसका आंसर जो है फिक्स नहीं आएगा क्योंकि लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसको इंटीग्रेट कर दें मास कैलकुलेट करने के लिए, मास कैलकुलेट करने के लिए जब इंटीग्रेट करें तो लैम्डा की वैल्यू को जो गिवन क्वेश्चंस में मैंने दे रखा है ये मैंने अपनी तरफ से प्रिपेयर किया है क्वेश्चन, तो लैम्डा की वैल्यू को रख दें लैम्डा नॉट एक्स अपॉन एल इनटू डीएक्स, और एक्स की फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस देखें टोटल मास के लिए, तो यहाँ से लेकर एक्स जो हमारा ये था और एक्स की लिमिट जो है वो जीरो से लेकर एल तक हमें कवर करनी है, जब हमें टोटल मास पता चलेगा रॉड का, तो एक्स की लिमिट को जीरो से लेकर एल तक ले लें और इसको इंटीग्रेट कर दें, यहाँ से m हमें एवेल्यूट हो जाएगा। m की जो वैल्यू आएगी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी लैम्डा नॉट अपॉन l, और यहाँ से इंटीग्रेशन x dx का आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और जीरो से लेकर l तक लिमिट ले लें तो ये वैल्यू आएगी हमारी लैम्डा नॉट l अपॉन टू। तो यहाँ से हमें मास एवेल्यूट हो जाएगा। तो इस को एक्सप्रेशन को दें तो क्वेश्चन के अंदर लैम्डा देने के बाद में मास पूछ सकता है, यहाँ तक हो सकता है लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर दे दे और फिर मास पूछ ले, तो इसी तरीका से इसको सॉल्व कर लें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से बन जाती हैं, कई बार ऐसे दे देता है कि भाई लैम्डा एक्स का दे दिया एक रॉड का, ये लैम्डा दे दिया इधर और एक्स दे दिया इस तरीका से कर्व खींच दिया और कहता है कि भाई अब इसमें मास बताइए कितना है, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आप लैम्डा नॉट ले सकते हैं, तो इसी तरीका का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे जो ये क्वेश्चन था। उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, अब इस सिस्टम का जहाँ पर लैम्डा फिक्स नहीं है बल्कि एक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है, एक कॉर्नर पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और जो इसकी जो जिस सिरे के उसमें कॉर्नर पर हमें वैल्यूट करना है
उस जो रॉड रखी गई है उसके परपेंडिकुलर हमें एवोल्यूशन देना है। तो डीआई की वैल्यू को ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई, इसके कारण जो छोटा सा सेगमेंट हमने ले रखा है इसके कारण कैलकुलेट करें, तो डीआई की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर इंटू डीआई। ये भी याद रखें कि मास जो टू टाइप्स का होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ द मासेज, वन इज डिस्क्रीट इन नेचर एंड अनदर इज कंटिन्यूअस इन नेचर। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि पूरी की पूरी रॉड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमारे पार्टिकल्स होते हैं पॉइंट पार्टिकल्स, तो पॉइंट पार्टिकल से जब बॉडी मिलकर बनी होती है तो डिफरेंट पॉइंट्स पर जो मास रखे हुए होते हैं वो हमारे कहलाते हैं डिस्क्रीट मास। और पूरी की पूरी रॉड और जो हमारी बॉडी है, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो हम आई कैलकुलेट करने के लिए सदा इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और डिस्क्रीट के लिए हमें समेशन यूज करना होता है। तो इस कंसेप्ट को भी याद रखें। ये भी याद रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो टेंसर क्वांटिटी होती है, और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो 9 होते हैं, तो 3 स्क्वायर कंपोनेंट होते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो टेंसर होता है रैंक 2 का। तो ये भी ध्यान रखें। डीआई की वैल्यू को एक्स स्क्वायर डीएम ले लें, तो एक्स स्क्वायर और डीएम की जगह पर पुट कर दें, यहाँ से वैल्यू मैंने अभी एवेल्यूट की थी, डीएम की वैल्यू ले लें लैम्डा डीएक्स से, तो डीएम ले लें लैम्डा डीएक्स और एक्स स्क्वायर, और लैम्डा की वैल्यू फिर से पुट कर दें, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है, लैम्डा नॉट एक्स अपॉन एल इंटू डीएक्स। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको एक्स की वैल्यू को लेना है, इसके रेस्पेक्ट हमें चाहिए, तो आई कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन कर दें, तो ये हमारे पास लैम्डा नॉट अपॉन एल, और यहाँ से कैलकुलेट होगा एक्स स्क्वायर और एक्स हो जाएंगे एक्स क्यूब, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स 4/4, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट ले लेंगे हम 0 से लेकर एल तक, क्योंकि यहाँ एक्स 0 है और इधर एक्स एल है, तो ये हमारे पास आई आ जाएगा। आई की वैल्यू सॉल्व कर दें इसे, ये हमारे पास आएगी लैम्डा नॉट एल क्यूब अपॉन 4, ये हमारा होगा, क्योंकि जब हम x की जगह पर l ले लेंगे तो l 4 अपॉन l आ जाएगा, तो l क्यूब अपॉन 4 वैल्यू बन जाएगी। तो i की वैल्यू हमारे पास आएगी लैम्डा नॉट l क्यूब बाई 4, और अगर क्वेश्चंस के अंदर हमें आंसर m में देना है तो लैम्डा नॉट की वैल्यू को यहाँ से ले लें, लैम्डा नॉट जो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर होगा वो हो जाएगा हमारा 2m अपॉन l, यहाँ से वैल्यू ले लें इस एक्सप्रेशन से, लैम्डा नॉट की वैल्यू 2m अपॉन l वो यहाँ पर पुट कर दें, तो i की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आएगी लैम्डा नॉट की जगह पे जैसे हम रखेंगे 2m अपॉन l, और यहाँ से ले लें l क्यूब अपॉन 4, तो ये वैल्यू हमारे पास एवोल्यूट हो जाएगी m l स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस के अंदर लीनियर मास डेंसिटी दे सकता है क्वेश्चन में, और मास हमसे एवोल्यूट करा सकता है डिफरेंट केसेज में, तो उसमें ये पैटर्न अपना है जो मैंने अभी बताया है। और अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा पूछा है जब लैम्डा एक्स का फंक्शन है, तो इस तरीका का पैटर्न अडॉप्ट करें, तो ये इसका बेस्ट तरीका है। मुझे उम्मीद है कि ये जो काफ़ी कंसेप्ट आपके इससे क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो बताएं, मैं कुछ और इस पर अप्लाइड प्रॉब्लम्स आगे फर्दर वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, आगे इंतजार करें कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोज का। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे इन वीडियो का लाभ जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके, खासतौर से गांव शहर कस्बे के उन बच्चों के लिए जो गरीबी में रहते हैं या जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उन तक पहुँचाने में मेरा सहयोग करते रहें, मदद करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके और देश के अंदर फिजिक्स का जो प्रसार हो। तो साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अप्लाइड प्रॉब्लम्स के जो लेवल है उसको बढ़ाते रहें कंटिन्यूस, क्योंकि कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मैंने खास तौर से वीडियो तैयार किए, और कम्पिटिशंस में बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैंने कुछ कंसेप्ट आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड बेस्ट विशेज, जय हिंद।